नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डी स्टूडेंट्स, मास्कॉम जंक्शन की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं मास्कॉम एंड जर्नलिज्म से जुड़ी बेसिक टर्म के बारे में। जी हाँ, आज जिस टर्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज पेजिनेशन। जी हाँ, न्यूज़ डेस्क पे, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में जो साथी न्यूज़ डेस्क पर काम करते हैं या जो विद्यार्थी काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें खास तौर पर इस टर्म की जानकारी होनी चाहिए, पेजिनेशन। जी हाँ, प्रोसेस ऑफ गिविंग सीरियल नंबर्स टू द पेजेस ऑफ ए न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक बिफोर इट्स पब्लिकेशन। इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दिस टास्क इज डन कलेक्टिवली बाय द सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड एडिटोरियल डिपार्टमेंट। यानी समाचार पत्र या पत्रिका की हम बात करें, अगर हम जनसंचार की बात करते हैं, और किताब की हम बात करें, तो समाचार पत्र, पत्रिका या किताब में जब पृष्ठों का जो नंबर है या जो सीरियल नंबर है पेज का, वो तय किया जाता है, उसका नंबर दिया जाता है, इस पेज का ये नंबर रहेगा, वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होती है, उसको पेजिनेशन बोलते हैं। जो समाचार पत्र या पत्रिका की अगर हम बात कर लें, पर्टिकुलरली विशेष रूप से अगर समाचार पत्र पत्रिका की हम बात करें, तो इसमें जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट होता है, प्रसार विभाग होता है, या एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है, इन सब के समन्वय से ये प्रोसेस पूरी होती है। बिकॉज जो संपादकीय विभाग होता है, उसका काम होता है खबरों का संपादन करना, लेआउट डिजाइनिंग, खबरों की प्लेसमेंट, वो सारे काम जो है संपादकीय विभाग के होते हैं। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है, वो ये बताता है कि एडिटोरियल विभाग के पास कितने पेज रहेंगे, कितने पेजेज रहेंगे, आज कितना विज्ञापन है और कितने स्पेस पर जो खबरें लगेंगी। जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है या जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, उससे भी जो है एक तरह से समन्वय बनाकर रखना पड़ता है इस काम के लिए, पेजिनेशन तय करने के लिए। तो इन सभी विभागों के जो प्रभारी हैं, वो सब आपस में बैठ के तय करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ ही फाइनल होता है कि आज कितने पेज का समाचार पत्र जो छपने जा रहा है, कितना विज्ञापन है, कितने सप्लीमेंट है। ठीक इसी तरह मैगजीन में होता है और बुक का भी इसी तरह से ठीक किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग सीरियल नंबर्स टू द पेजेस ऑफ ए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक, इस सारी प्रक्रिया को कहते हैं पृष्ठांकन। आप देखते हैं कि आपका जो समाचार पत्र घर पे आता है, वो कभी 20 पेज का होता है, कभी 24 पेज का होता है, कभी 28 पेज का होता है। विशेष अवसर पर विज्ञापन रहता है, ज़्यादा विज्ञापन रहता है, कोई त्यौहार है, तीज त्यौहार है, कोई खास डे है, इंपॉर्टेंट डे है, तो पेज जो है डेली बिल्कुल फिक्स पेज नहीं होते, बल्कि उनकी संख्या बदलती रहती है। और ये सारी संख्या तय होती है, कलेक्टिवली तय होती है, प्रसार विभाग या पब्लिकेशन विभाग, एडिटोरियल विभाग और एडवर्टाइजिंग विभाग, जितने भी इनके प्रभारी होते हैं, वो सब मिल करके तय करते हैं कि कितने आज पेजेस छपेंगे और उन पेजों की संख्या जो होगी कितनी होगी, ये तय किया जाता है। तो आज हमने चर्चा की पेजिनेशन टर्म की। इसी तरह की कुछ और खास टर्म के बारे में हम इस सीरीज में लगातार आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।